पूरे झारखंड प्रदेश में विस्थापन समस्या एकदम बहुत गंभीर समस्या है, और मैंने कई एक बार पहले भी विस्थापन समस्या को लेकर हमने विधानसभा में क्वेश्चन किया था, मगर आज तक लगभग झारखंड बने 20 साल होने चला, मगर किसी सरकार ने विस्थापन समस्या को लेकर निराकरण के लिए कोई निश्चय निराकरण निकालने का प्रयास नहीं किया। रघुवर जी के सरकार में एक विस्थापन कमेटी बना था, जिसमें 5 विधायक का कमेटी बना था, जिसमें अन्नपूर्णा देवी जी थे, हमारे अभी कोडरमा के लोकप्रिय सांसद हैं, और अभी प्रदीप यादव जी थे उसमें, उसके पहले समरेश दास थे, और 2-3 विधायक थे जो कि विस्थापन कमेटी एक बनाकर विधानसभा से भेजा गया था। उसके बाद भी हम लोगों ने रिपोर्ट लाकर देने के बावजूद भी आज तक किसी प्रकार का निराकरण नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं कि जैसे तैसे विस्थापन कर दिया जाता है जबरन तरीके से सरकार द्वारा, उसके बाद विस्थापितों का जो स्थिति होता है वो हम लोग से ज़्यादा कोई अच्छा से समझ नहीं सकता है। विस्थापन समस्या, विस्थापन को जैसे मुआवजा उसका साइड दे दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है, उसके बाद उसको किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता, ना कोई पट्टा दिया जाता, ना किसी प्रकार का कोई प्रमाण पत्र दिया जाता है। वो पट्टा सर्टिफिकेट नहीं देने से क्या होता है कि हमारा ना जाति प्रमाण पत्र बनता है, ना कोई आवासीय बनता है, ना कोई अस्थायी प्रमाण पत्र बनता है, इसलिए बहुत तरह का परेशानी पूरे झारखंड प्रदेश में विस्थापितों के साथ हो रहा है। उसी विषय को लेकर हमारे मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे सदन में, उनके सामने इस विषय को मैंने रखा है, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम बहुत जल्द विस्थापन कमेटी बनाकर इसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। स्थापना में तकरीबन 9,300 एकड़ जमीन लिया गया और इस गांव इस पर विस्थापित हुए। सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार 1,111 परिवार विस्थापित की बात कहा जाते हैं, स्वीकारते हैं, लेकिन रिकॉर्ड में उनके पास मात्र 444 लोगों को के बारे में उसका रिकॉर्ड में है। स्वीकारते भी है कि 1,111 लोगों को विस्थापित किया गया है और 444 लोगों का रिकॉर्ड। तो सरकार तरफ से जो बुनियादी सुविधा नहीं मिल रही है, और इस तरह का विस्थापन मैंने पूरा प्रदेश का मामला है, और इसीलिए हमने मांग किया है कि भाई पुनर्वास और विस्थापन आयोग का गठन किया जाए सरकार के द्वारा। चूंकि उस समय सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं थे, लेकिन जो प्रभारी मंत्री के द्वारा कहा गया कि इसको हम लोग बहुत जल्द इसको हम लोग करेंगे। इस बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी आ गए और उन्होंने भी इस चीज़ को महसूस किए, क्योंकि पूर्व में ही माननीय मुख्यमंत्री जी पुनर्वास और विस्थापन आयोग को गठन करने की बात, क्योंकि बगैर उसका गठन का विस्थापित लोगों का चिन्हितीकरण नहीं हो पाएगा, और इसीलिए उन्होंने कहा कि हम इसको जल्दी जो अच्छा होगा आयोग का होगा तो आयोग गठन करेंगे, इस बात को उन्होंने आश्वस्त किया है। अब लगता है कि हम फिर इसे उम्मीद करेंगे कि चलते सत्र में इस पर कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।